हैप्पी फ्राइडे। अभी सुबह का 7 बज गया है और मैं हर दिन ही नींद से उठ के पहले मोबाइल को हाथों में लेती हूँ और मोबाइल ऑन करके ही फेसबुक व्हाट्सएप ये सब देखती हूँ। तो आज फेसबुक खुल के ही जी न्यूज से ही पता चला मुझे कि निर्भया केस की जो चारों दोषी थे तो उन लोग का फांसी हो गया है, चारों का ही। तो निर्भया जहां पर भी है उनका आत्मा को बहुत शांति मिलेगा। आज डर भी लग रहा है जो कोरोना वायरस को लेके, तो डरने से भी क्या होता है, बाहर तो जाना ही पड़ेगा ना, तो घर में डर के तो बैठ नहीं सकते हैं। और मेरा बेटी कल गया था कॉलेज से, तो ट्रेन में गया था, एग्जाम चल रहा है उसका 12th का, तो ट्रेन में गया था। तो ट्रेन का कंपार्टमेंट में एक दो ही लोग थे, तो मेरा बेटी भी अकेला नहीं जा सकते। तो आज भी एग्जाम है, उसका पापा लेके जाएंगे एग्जाम देने के लिए। तो यहाँ से 60 किलोमीटर दूर उसका कॉलेज, तो इसीलिए अभी मैं, मेरा जो आंटी आ गया है काम करने के लिए, तो सुबह का जो काम होता है अभी मैं ब्रेकफास्ट तैयार करूंगी। तो चलिए गाइस स्टार्ट करती हूँ, आज पूरा दिन मैं क्या क्या करती हूँ तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी, और शेयर करने भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। एग्जाम देने के लिए, तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करूंगी और टिफिन बना के भी दे दिया हूँ क्योंकि मेरा हस्बैंड बाहर बैठेंगे, 1:30 को एग्जाम खत्म होगा। तो दुकान भी बंद है इधर, कोरोना वायरस के लिए दुकान भी, बहुत सारे दुकान बंद है, तो खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इसीलिए टिफिन बना के पराठा और एक भाजी बना के दे दिया हूँ। अभी मैं ब्रेकफास्ट करूंगी। तो आज रोटी के साथ एक गुड़ खाऊंगी, रोटी और गुड़ बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए। तो ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट, ये अंडा बॉयल और ये रोटी और गुड़, थोड़ा सा खीरा और 2 केला। Thank you.
12 बज गया है और लंच के लिए मैं इधर चावल को चढ़ा दिया गैस में और इधर दाल बॉयल हो रहा है। तो दाल बॉयल हो गया है, तो पहले मैं आज हम लोग क्या क्या खाएंगे लंच में तो दिखाती हूँ। मैं कुकिंग कर लिया, तो पहले से मैं कुकिंग कर लिया ये आलू तुरे की एक पोस्तो और ये साग की भाजी, दोनों हो गया। और अभी दाल भी बॉयल हो गया है, तो आज मैं दाल को ना फिश का जो हेड होता है फिश का हेड से ही मैं बनाऊंगी। फिश का हेड और दाल मिक्स करके काजी जैसा बनाऊंगी तो अच्छा लगता है खाने के लिए। तो पहले ये जो फिश को मैं फ्राई करके ओटीजी में थोड़ा सा रोस्ट बनाऊंगी, तो पहले ये फिश को मेरीनेट कर लेती हूँ। तो ये फिश में देना है मुझे ये है जीरा, धनिया, इलायची और कार्डमम, दो लाल मिर्च ड्राई करके पेस्ट नहीं ग्राइंड कर लिया, तो ये दे दूंगी फिश में। और हल्दी, इसमें गार्लिक, जिंजर, ऑनियन, टोमेटो और क्या ग्रीन चिली पेस्ट बना लिया, ये दे दूंगी। तो ये दाल में भी दे दूंगी और फिश को जो फ्राई बनाऊंगी तो मेरीनेट में ये दे दूंगी। हाँ, ये पेस्ट में थोड़ा सा मेथी पाता भी दिया हूँ, ये पेस्ट में थोड़ा सा मेथी पाता। और देना है नमक, अभी कढ़ाई में ऑयल, जो हेड है तो बनाऊंगी। तो पहले ऑयल दे देती हूँ, तो फिश फ्राई हो गया है। तो अभी थोड़ा सा ऑयल और दे दूंगी, और दे दूंगी ये जो पेस्ट गार्लिक, जिंजर और अनियन, टोमाटो, मेथी पत्ता, ग्रीन चिली ग्राइंड कर। तो फिश फ्राई में भी थोड़ा सा दिया था और ये थोड़ा सा है इसमें दे दूंगी। और इसमें अभी थोड़ा सा दे दूंगी ये जीरा, कार्डमम और धनिया, इलायची
और लाल मिर्च ग्राइंड करके जो रखी थी ना, ये थोड़ा सा दे दूंगी। तो ये मसाला रेडी, ये जो बॉयल करके दाल रखी थी ये दे दूंगी। और ये बॉयल जब हो रहा था तो मैं इसमें थोड़ा सा जो छोटा छोटा ऑनियन होता है ना, ये दे दिया था मैं। फ्राई करके रखी हूँ ना ओटीजी में, अभी नहीं दूंगी, तो जब मेरा हस्बैंड और मेरा बेटी आ जाएगा तो उस टाइम गरम गरम ड्राई करके रोस्ट करके हम लोग खाएंगे। तो अभी से बना दूंगी तो ठंड हो जाएगा। और ये दाल फ्राई अभी करंट नहीं है तो इसीलिए थोड़ा सा अंधेरा है, और इधर मैं लाइट जला के ये वीडियो कर रही हूँ तो करंट नहीं है अभी। और मेरा ये लंच रेडी, आज का लंच रेडी। अभी गुड नाइट, क्योंकि रात के 8 बज गया है और 2:30 को मेरा हस्बैंड और मेरे बेटे आ गए थे एग्जाम खत्म करके। उसके बाद हम लोग लंच करके मैं गई थी मेरा बहन को लेके हॉस्पिटल, क्योंकि उसका जो हाथ टूट गया था, हाथों का बैंडेज आज खुला गया है, तो डॉक्टर दिखा के उसको लेके उसका घर में छोड़ के अभी आई हूँ। अभी आने के बाद थोड़ा सा चाय पी के अभी रेस्ट ले रही हूँ। और पूरा दिन आज मेरा किचन में ही गया, सुबह ब्रेकफास्ट लंच, अभी रात को मेरा बेटी बेटा खाएगा डोसा आलू कोसा और सांभर। दोपहर के बोल के रखा है मम्मी आज डोसा बनाओ, बहुत दिनों से हम लोग डोसा नहीं खाए हैं। तो मैं तो बहुत कम जाती हूँ रेस्टोरेंट, मेरा बेटा बेटी को भी रेस्टोरेंट नहीं भेजती हूँ, बहुत कम, तो इसीलिए घर में ही बनाती हूँ। तो अभी भिगो के गई थी चावल और जो ब्यूली का दाल, सब कुछ भिगो के गई थी अभी ग्राइंड करके। तो आज रात को ही डिनर में हम लोग खाएंगे डोसा आलू कोसा और सांभर। तो फटाफट से स्टार्ट करती हूँ, और क्योंकि रात का 8 बज गया है, फिर डिनर करके रात भी हो जाएगा सोने के लिए, क्योंकि कल सुबह मेरा हस्बैंड जाएंगे बाहर, मेरा बेटी जाएगा एग्जाम देने के लिए। कल लास्ट एग्जाम 27 को ख़त्म होने वाले थे, लेकिन एग्जाम बंद हो गया है, कल एग्जाम होके बंद हो जाएगा कोरोना वायरस के लिए छुट्टी उड़ीसा में। तो कल मेरा बेटी जाएगा एग्जाम देने के लिए, मेरा हस्बैंड जाएंगे बाहर, और मैं जाऊंगी मेरा बेटा को लेके जो क्रिकेट जो टीचर है, क्रिकेट का जो टीचर है उनका घर में जाएंगे हम लोग, मेरा बेटा और मैं। बेटा का कल प्रैक्टिस है। तो फटाफट से स्टार्ट करती हूँ डोसा आलू कोसा और सांभर। चलिए, और पूरा दिन आज मेरा गया किचन में, अभी भी किचन में 2-3 घंटा। तो जब भी मेरा बेकरी का काम नहीं रहता है ना, तो मैं घर में अच्छा अच्छा खाना बना के बच्चे लोग को देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ, पहले ही सांभर बना लूँगी। तो ये प्रेशर कुकर में ही बनाऊंगी। तो ऑयल गरम हो गया, ऑयल में रेड चिली और करी पत्ता और मस्टर्ड सीड्स, ये तड़का लगाऊंगी। तो डायरेक्टली बना लूंगी प्रेशर कुकर में, बॉयल करके जो तड़का लगाऊंगी ऐसे कोई बात नहीं, तो डायरेक्टली बनाऊंगी। तो ये 2 अनियन और थोड़ा सा नमक, और इसमें दे दूंगी अभी टमाटर। तो सब कुछ ब्राउन ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद बहुत सारे सब्जी कट करके रखी हूँ तो वो भी दे दूंगी इसमें। तो मसाला हो गया
इसमें सब्जी दे दूंगी, पहले ब्रिंजल और ड्रमस्टिक और पंकिन, लेडीज फिंगर। आप चाह सकते भी और कोई सब्जी दे सकते हैं, लेकिन मेरे पास आज घर में ये सब्जी था तो ये सब्जी दे दिया हूँ। और नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी दे दूंगी। तो ये मसाला हो गया, अभी इसमें दे दूंगी अरहर दाल। ये पहले से ही मैं भिगो के रखी थी। भिगो भिगो के रखने से क्या होता है, जल्दी से हो जाएगा दाल। और ये थोड़ा सा कोसा कोसा बना के इसमें दे दूंगी। अभी छोटा छोटा जो ओनियन होता है ना, स्मॉल ओनियन, तो मद्रासी ओनियन कहते हैं इसको शायद, मुझे पता नहीं। और थोड़ा सा ग्रीन चिली, और इसमें अभी दे दूंगी सांबर मसाला और धनिया पाउडर। तो नमक, शुगर सब मिक्स करके इसमें पानी डाल दूंगी। तो ये 2-4 सीटी देगा, हो जाएगा सांबर और मेरा बेटा खा लेगा। ये हो गया, पानी दे दिया हूँ अभी। और ये प्रेशर कुकर में बहुत जल्दी से हो जाता है। और इसमें है क्या कहते हैं इसको, इमली का जूस। तो ये खट्टा मीठा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ये साउथ में बहुत खाते हैं और उड़ीसा में भी बहुत खाते हैं। तो अभी प्रेशर कुकर 2 सीटी मर दिया लगा दिया मर दिया 2 सीटी लगा दिया और ये बन गया रेडी। तो देख सकते हैं कितना अच्छा हुआ है। और अभी इसमें बनाऊंगी आलू कोसा। तो ये थोड़ा सा काजू और इसमें अभी दे दूंगी अनियन, गार्लिक, जिंजर, सब कुछ एक साथ कद्दूकस कर लिया, फुल पेस्ट नहीं कद्दूकस करके अभी दे दूंगी। थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, ये जीरा, धनिया, इलायची और कार्डमम, सब कुछ ड्राई करके जो पाउडर में बना बना के रखती हूँ घर में, तो ये थोड़ा सा दे दिया। और आलू दे दिया और नमक, सब कुछ कोसा कोसा बना के इसमें दे दूंगी। थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा पानी, ज़्यादा पानी नहीं, क्योंकि डोसा के साथ खाएंगे तो पानी नहीं चाहिए अभी। तो थोड़ा सा पानी, 2-4 सीटी मार दे लगा देगा तो हो जाएगा। ये बन के रेडी। हाँ बाबा, अच्छी तरह एक टू ये बन ये रेडी, आलू कोसा रेडी। अभी बनाऊंगी डोसा। तो ये ब्यूली दाल और चावल, ये भी पहले से मैं भिगो के रखी थी। तो एक बाटी ब्यूली दाल और 2 बाटी चावल भिगो के रखी थी। तो ये पेस्ट हो गया, इसमें थोड़ा सा 2-3 बाटी पानी मिक्स करूंगी, थोड़ा सा नमक ये मिक्स करूंगी। ये बन के रेडी, अभी इसको मैं डोसा बना लूंगी। तो ये कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी। और दुकान में क्या होता है, बहुत चावल बहुत ज़्यादा देते हैं, इसीलिए बहुत क्रिस्पी होता है। और मैं बहुत ज़्यादा चावल नहीं दिया हूँ, तो इसीलिए मेरा ये जो डोसा बहुत क्रिस्पी नहीं हुआ है, लेकिन बहुत टेस्टी लगता है, इस तरह बहुत टेस्टी लगता है। ये मेरा बेटा को बहुत पसंद है। बीच बीच में थोड़ा सा अनियन, और इसके अंदर मैं मसाला नहीं दूंगी, अलग से एक बाटी में दे दूंगी मेरा बेटा को खाने के लिए, क्योंकि मेरा बेटा को ना इसके अंदर जो आलू कोसा है दे दूंगी तो उसको अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए अलग से दे दूंगी। तो इस तरह एक एक करके बना के हम लोग आज डिनर में खाएंगे। तो ये वीडियो बना के मैं आप लोग को भी बता देती हूँ अभी। गुड नाइट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी मेरा बेटा खाएगा।